द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। क्षेत्रीय ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान में आज मनरेगा सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उनको मनरेगा के द्वारा किए जाने वाले काम जैसे तालाब की खुदाई, सड़कों का निर्माण में किस तरह से ऑडिट किया जाए, इसके लिए विधिवत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक जयलाल श्रीवास्तव ने बताया कि कार्य में किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, इसके लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी है। रायबरेली ब्यूरो, सुषमा मिश्रा की रिपोर्ट। मानव दिवस में सामग्री कार्य प्रारंभ होने की तिथि और कार्य की स्थिति पूर्ण चालू या कार्य जो भी स्थिति है वो आपको लिखना है और एक प्रमाण पत्र भी देना है। मैं जयलाल श्रीवास्तव, वरिष्ठ प्रशिक्षक क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान रायबरेली और इस प्रशिक्षण को सहायक प्रभारी के रूप में कार्य। क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है अभी तक इन लोगों को? मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी कराई जा रही है। क्या लाभ होगी इन लोगों को? ये जो हमारे गांव में ग्राम पंचायतों द्वारा कराए गए कार्य कराए जा रहे हैं, उनका एक सोशल ऑडिट का भी प्रावधान किया गया है मनरेगा के तहत। तो ये जाएंगे गांव में और गांव में जा कर के ये अभिलेखों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद फिर ये भौतिक स्थल पर जाएंगे, वहाँ उसका सत्यापन करेंगे कि चूँकि तालाब अगर तालाब बना है तो वास्तव में तालाब बना है कि नहीं बना है, उसके मेजरमेंट लेंगे, उसमें मानव दिवस कितने सिद्ध किए गए हैं, कितनी लागत लगी है, ये सब जो है वो तैयार करके जब ये वापस आएंगे तो एक खुली बैठक फिर करेंगे गांव सभा में। तो जो लाभार्थी हमारे मनरेगा में कार्य किए हैं तो उनकी कुछ शिकायतें भी सकती हैं, कुछ अभिलेख की कमियां भी सकती हैं, तो उनको नाम ही इसका सामाजिक अंकेक्षण है, अंग्रेजी में सोशल ऑडिट बोलते हैं, हिंदी में इसको सामाजिक अंकेक्षण बोलते हैं। तो सामाजिक अंकेक्षण मतलब जो भी कमियां हमारे कार्यों में पाई गई हैं उनको समाज के प्रति रख करके उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।